भाग चलो भाग चलो भाग चलो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो भारतीय सरकार मुर्दाबाद भारतीय सरकार मुर्दाबाद भारतीय सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी मसीहा में जुल्म बंद करो मसीहा में जुल्म बंद करो भारतीय सरकार मुर्दाबाद भारतीय सरकार मुर्दाबाद भारतीय सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद आज हम खास तौर पर प्रेस क्लब के सामने तमाम मसीही कौम सराता एहतजाज है कि गोरीपुर के अंदर जो भारत का एक सुबह है जहां खून की होली और नजेबा हरकत ऐसी जिसे इंसानियत का सर झुक जाता है वहां पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब तीन उन खासतौर पर खवातीन बेटे को जिबा कर दिया गया। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं भारत के अंदर हमने देखा जबकि एक मोदी सरकार को अब याद आ रहा है लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं वहां आपने गौर नहीं किया कि जहां पर 1200 के करीब मणिपुर के अंदर खवातीन और मर्दों को जिबा कर दिया गया 100 के लगभग स्कूल और हॉस्टल्स और बाइबल कॉलेज आपने जला दिए। इसके साथ 1000 घरों को मुसमार कर दिया गया। मोदी सरकार आपको अब याद आया है कि अब तमाम सूबों में कानून को सख्त कर दिया जाएगा। यह आपके लिए नहायत शर्म की बात है, यह आपके लिए शर्म की बात है। आपने 4 मई से यह वाक्य शुरू हुआ और आपने 4 मई से लेकर पूरा महीना जबकि वहां पर खून की होली खेली गई और आप तमाशाई बनकर उस तमाम तमाशे को देखते रहे, उस जुल्म को देखते रहे। यह नहायत आपके लिए शर्म की बात है। आपने इंटरनेट सर्विस बंद रखी ताकि आपका वो चेहरा जो भयानक चेहरा है, आप जो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को अमन का गहवारा कहलाते हैं, आपका अमन नजर आ गया। आज हम सराप एहतजाज है और अकवाम मुत्तहिदा के सामने ये बात रखते हैं जल्द इस बात का नोटिस लिया जाए और मणिपुर के लोगों को मुकम्मल तहफ़ दिया जाए, वहां की तमाम अकलियतों को तहफ़ दिया जाए। तमाम मीडिया के सामने और अपने पाकिस्तान से इस बात को बयान कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है जल्द से जल्द बंद किया जाए। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जो मसीह कौम सरापा एहतजाज बनी हुई है ये भारत को बता रही है कि मोदी सरकार होश के आखन लो, होश के नाखन लो। ये ना हो कि जैसा बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जा अपना कुर्ता बेच और तलवार खरीद ला, और ये मोदी सरकार आपको वार्निंग देते हैं कि हमें मजबूर ना कर कि हम वो तलवार खरीद के ले आए जो आपकी गर्दन उठा दे। मैं अकवाम मुत्तहिदा से जो इस वक्त पूरी दुनिया का सेक्रेटरी है उससे परजोर अपील करता हूं कि आप भी इस वाक्या का नोटिस लें और जल्द से जल्द उस मणिपुर के इलाका भारत में जो है वहां का कतलेआम बंद किया जाए। यह कतलेआम मोदी सरकार ने सिर्फ मसीहों का नहीं किया, उन्होंने सिखों का भी किया है क्योंकि वो भी अकलियत है। उसने मुसलमानों का भी करवाया है क्योंकि वो भी अकलियत है। मैं मोदी सरकार को ये वार्निंग देता हूं दोबारा
कि हमें तलवार खींचने पर मजबूर ना कर। जो भारत में सानिया हुआ है नसीब बेटियों के साथ, नहायत अफसोसनाक वाकया हुआ है, उस पर तमाम मसीह कौम सरापा एतजाज है। वो इसलिए कि इस जुल्म को फौरी तौर पर बंद नहीं बल्कि एक्शन लिया जाए, और जो जिन्होंने ये सानिया किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको मौत जैसी सजा देकर कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। इसी तरह हम कौमी मददा के आगे भी अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर एक डेलीगेशन जो उनसा वो तैयार करें और भारत में भेजें, और फौरी तौर पर वो डेलीगेशन जो उनसा है वो भारत में एक्शन लें, और जो सानिया हुआ है बड़ा अफसोसनाक सानिया है उस पर फौरी तौर पर इंक्वायरी लगवा के उन दरिंदों को जिनको इंसान कहना भी गलत है, वो इंसानियत के नाम पर बदनमाया दब्बा है, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए जो कि कलीतों के साथ जासियाँ कर रहे हैं और कलीतों का कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी इज्जतों के साथ खेल रहे हैं। भारत सरकार को फौरी तौर पर, मोदी को हम पुरजोर मरम्मत करते हैं उसकी, कि वो फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले और फौरी तौर पर उनको गिरफ्तारियां अमल में लेकर आए और उनको कैफे करदार तक पहुंचाए। मसीह कौम के तमाम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं उस वाकये के लिए कि जो भारत में मणिपुर के इलाका में पेश आया। ये इखलाक की सबसे बदतरीन सतह से भी गिरी हुई बात है, सुनकर जो है वो दिल खून के आंसू रोता है। हम तमाम मसीही कौम जो हमारी बहनें जिनके साथ जाहिलाना और वहशियाना सलूक किया गया कि उनको बरहाना हालत में मणिपुर के इलाका में फिराया गया और फिर उनके साथ इज्तमाई जिनसी ज्यादती की गई और उनको आखिरकार मौत के घाट उतार दिया, इससे बड़ी जुल्म की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। हमारा खून जो है वो जोश मारता है, हमारा जो मजहब है मसीही कौम है वो प्यार और मोहब्बत का दर्ज देती है, हमारे खुदावन यीशु मसीह की भी यही तालीम है। लेकिन अफसोस, अफसोस उन जाहिलों पर, अफसोस ऐसे मुर्दा जमीर लोगों पर, अफसोस उस मोदी सरकार पर, अफसोस उन तमाम लोगों पर जिनके जमीर मुर्दा हो चुके हैं, जिन्होंने अब तक इस दिलसोज जो है वो वाकये के खिलाफ किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब वक्त है कि हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये कदम उठाया, उनको जो है वो सजाए मौत दी जाए, मोदी सरकार जो है इसके खिलाफ एक्शन ले, और हम मसीही कौम तब तक सरापा एहतजाज रहेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, और हम अक़वामे मुत्तहदा से भी अपील करते हैं कि वो इस मसले को हाईलाइट करें और जो है अकलीतियों को, खास तौर पर मुसलमानों को भारत में, सिखों को और मसीहियों को जो है वो अकलीती जो उनका राइट बनता है, जो तहफ्फुज़ है वो उनको फराहम किया जाए और उनके तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाए। Hello everyone, I am Tamseel Asif and I am the daughter of the founder and chairman of Word of Life Church of Pakistan, and today we are gathered here to give justice to the Christian daughters and women of Manipur. It is a vivid picture of human humiliation that women were stripped naked in the streets of Manipur and then gang raped. If all this happened with a politician's mother, sister or daughter, would they have stayed silent? Then why the Indian government is still silent? Because they are normal civilians and belong to a poor families. This all started from 4th May 2023, and when 1200 people were burned alive and killed, now Mr. Narendra Modi had thought that he will tighten up the securities and rules and regulations of India, while you blocked the internet of India so that the world would not know what is happening there and the bloodshed was played there. We strongly condemn about all this and appeal to the Indian government and the United Nations to give justice to the women of Manipur.
मेरा नाम सिताइश यूनुस है और मैं वर्ड ऑफ लाइफ चर्च ऑफ पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन की बेटी हूँ और मैं इस वाक्य से जो कि इंडिया के शहर मणिपुर में हुआ है भरपूर मुसम्मत करती हूँ। क्या अगर वो औरतें और वो लड़कियाँ अगर वो किसी बड़े किसी वजीर आजम या किसी ऐसे शख्स की बेटी होती तो क्या उनके साथ ऐसा होता? एक ही दिन में 1200 लोगों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, क्या तब वहाँ के लोगों को नजर नहीं आया? मोदी सरकार को एक महीने बाद पता चला और उन्होंने तब मुसम्मत की। हम मसीही कौम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भरपूर मुसम्मत करते हैं कि वहाँ के मसीही लोगों की पूरी पूरी मदद की जाए। मणिपुर भारत में होने वाले सानहक में जो मसीही कौम के साथ खून की होली की खेली गई उसकी हम भरपूर मुसम्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि मसीही कौम को जो भारतीय हुकूमत से उससे इंसाफ दिलवाया जाए। मैं वर्ल्ड ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री की तरफ से भारत में होने वाले तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए दुआगो भी हूँ और मोदी सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि जितने भी वहाँ पर क्या अकवाम के दूसरे लोगों के साथ भी ऐसे ही सलूक होते हैं जो मसीही लोगों के साथ हुआ, तो मैं मोदी सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि मणिपुर में होने वाली तमाम लोगों के साथ दिया जाए, उनकी फेवर के लिए आपको बोलना चाहिए ताकि जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है तो आप उनके रहनुमा बनकर एक सदर की हैसियत से उनके सर पर अपना दस्ते शफकत रखें।